नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। एक बार फिर यूपी का मौसम गड़बड़ हो चुका है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से धूप हल्की है, वहीं आसमान में बादल भी छाए हुए हैं। लखनऊ में देर रात बारिश हुई है, वहीं ये बारिश लखनऊ ही नहीं बल्कि यूपी के प्रयागराज और वाराणसी मंडल में भी हुई है। चित्रकूट में तो ओले भी गिरे हैं। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान बताता है कि उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बारिश का अलर्ट है और 11 जिले ऐसे हैं जहां ओले गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में ओले गिरने की संभावना है उसमें बांदा, चित्रकूट और वाराणसी और प्रयागराज मंडल के जिले शामिल हैं। अगर ओले गिरते हैं तो यहां पर किसान की खेती को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ओले से न सिर्फ सरसों की फसल को नुकसान होगा, वहीं चना और मटर की फसल को भी नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें कि ये मौसम 15 फरवरी तक ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि अगले दो दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। प्रदेश का सबसे ठंडा जिला अयोध्या रहा है, वहीं सबसे गर्म जिले की बात करें तो बहराइच है। यहां का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अयोध्या में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल कोहरा नहीं है और जो सर्द हवाएं चल रही थी उससे भी लोगों को राहत मिल चुकी है। फिलहाल सर्द हवाएं न चलने की वजह से सर्दी से लोगों को राहत है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर ओलावृष्टि हुई तो एक बार फिर सर्दी बढ़ने की संभावना हो सकती है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ।